आज हम लोग बात करेंगे एन ऑब्स्ट्रक्टिव मिड यूरेट्रिक कैलकुलस के बारे में, मतलब यूरेटर के बीच के हिस्से में पत्थर का फंस जाना। तो ये एक मरीज़ था जिसका इसका अल्ट्रासाउंड का इमेज आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं। तो मरीज़ आया था कंप्लेन लेकर के, मुझे दो दिन से बहुत दर्द हो रहा है लंबर रीजन में, लेफ़्ट लंबर रीजन में, डॉर्सली और वेंट्रली रेडिएटिंग पेन हो रहा है और मुझे वोमिटिंग हुई है और वोमिटिंग टेंडेंसी मतलब नौजिया की तरह भी महसूस हो रहा है और मुझे काफ़ी दर्द है और मुझे इलियक लेफ़्ट इलियक फोसा में भी दर्द महसूस हो रहा है और मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मैं उसको उल्टी कर दे रहा हूँ। पेशाब मेरा बहुत पेनफुल और कंसंट्रेटेड हो रहा है। तो उसका अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसको लेफ़्ट मिड यूरेटर में एक ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलस नज़र आया। उसने मिड यूरेटर के ल्यूमेन में फंसा हुआ है। ये किडनी से अगर आप इसकी दूरी नापी गई, किडनी से दूरी नापी गई तो पता चला कि 5.88 सेंटीमीटर किडनी से दूर है, अवे फ्रॉम द लेफ्ट किडनी। और दिस ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलस कॉजिंग ग्रेड 2 हाइड्रोनेफ्रोसिस विथ ग्रेड 1 हाइड्रो यूरेटर। तो कैलकुलस होता है, काफ़ी लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है। तो एक्चुअली ये किडनी स्टोन में सबसे पहले ये कैलकुलस किडनी में फॉर्म किया होगा, उसके बाद वो यूरिन स्ट्रीम से ये मूव कर गया होगा डाउनवर्डली यूरेटिक पाथवे में और ल्यूमेन में आके मिड जोन में फंस चुका है और फंसने से ये रीनल कोलिक पेन कर रहा है, रीनल कोलिक पेन कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।